तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है। और जो आज आप देख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है, इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल के मेरे कार्यकाल को, और शायद इसी के कारण हमें फिर से एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, उसमें हम आग्रही हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहां काम करना चाहता है उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हम रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है। और हम उस दिशा में, इंदो ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है, तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप की और सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं, और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है, सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है, भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं, ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही हुए हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप में से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं।
इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार है, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 ईयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहां बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहां बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है, और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है, और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्निकल और टेक्नीशियन इंजीनियर्स एंड आरएडी एक्सपर्ट्स, उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग, उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो 20% हिस्सेदारी भारत की है, और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहिम शुरू की है, और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए $12 बिलियन का रिसर्च फंड भी बनाया है, क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेष बल देना चाहते हैं। भारत में मजबूत आईपीआर फ्रेमवर्क, जो आपने उल्लेख किया आईपीआर के संबंध में, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है, उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है, अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के अभी आ रहा हूं, और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमेंटेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं, जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमेंटेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एआई स्ट्रेटजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है, और मैं तो जब पिछली बार यहां आया था तो व्हाइट हाउस में हमारी एक छोटी सी टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें सुंदर भी थे, और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए एआई का मतलब है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, और भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है, वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम G20 समिट में बैठे थे, उसमें भी
एथिकल यूज ये एक सबसे बड़ा एजेंडा विषय था हमारा, और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा, और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने को अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है, वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है, और हमारे सामने मॉडल है, एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है, तो उसके सामने भी मैंने कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वॉटरमार्क, हर इस प्रकार की चीजों पर वॉटरमार्क आना चाहिए कि AI जनरेटेड है, तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इसमें मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी ये, ठीक है एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वॉटरमार्क के साथ AI जनरेटेड वॉटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर AI टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि AI जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूं उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहां है तो आप जरूर कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है।